वैसे तो देवभूमि उत्तराखंड ने देश को एक से बढ़कर एक योद्धा दिए, जिन्होंने फौज में शामिल होकर देश का नाम रोशन किया है। लेकिन बॉलीवुड में ऐसे कम ही सितारे होंगे जो उत्तराखंड से ताल्लुकात रखते होंगे। लेकिन पहाड़ की मिट्टी ने एक ऐसा बेटा भी जन्मा जिसको हमारे देश में शायद ही कोई जानता होगा। लेकिन पड़ोसी देश चीन में वो सुपरस्टार है। हम बात कर रहे हैं देव रतूड़ी की। इस वीडियो में हम देव रतूड़ी की जर्नी के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि कैसे उत्तराखंड के एक छोटे से गांव का लड़का चीन पहुंचा और कैसे वो इतना बड़ा सुपरस्टार बना। तो शुरुआत करते हैं उनके बचपन से। सन 1976 में टिहरी गढ़वाल के कैमरिया गांव में जन्मे देव रतूड़ी पांच भाई बहनों में से एक थे। उनके पिता की माली हालत ठीक नहीं थी। 1993 में 10वीं पास करने के बाद देव काम ढूंढने दिल्ली पहुंचे। यहां पैसे कमाने के लिए देव ने छोटे मोटे काम किए। देव ब्रूसली की फिल्मों के दीवाने थे, लिहाजा ब्रूसली को आइडियल मानते हुए मार्शल आर्ट भी सीख ली। 1998 में लक आजमाने बॉलीवुड पहुंचे, कुछ हिंदी फिल्मों के लिए ऑडिशन भी दिए, लेकिन बात नहीं बनी। बॉलीवुड में लक काम नहीं किया तो 2005 में देव चीन पहुंच गए। वहां एक इंडियन रेस्टोरेंट में नौकरी की। इस दौरान उन्हें 1650 युआन यानी कुल 18,000 रुपए मिलते थे। इसकी चर्चा देव ने कई इंटरव्यू के दौरान की है। देव बताते हैं कि वो दिन में बतौर वेटर काम करते थे जबकि रात में मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेते थे। इस दौरान कुछ लोगों ने उन्हें आगे की ट्रेनिंग के लिए चीन के साओलिन टेम्पल जाने की सलाह दी, जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन देव ने हार नहीं मानी। अगले 7 सालों तक उन्होंने जमकर मेहनत की और कई रेस्टोरेंट में काम करते हुए वेटर से मैनेजर तक का सफर तय किया। 2011 में देव अपने गांव लौटे और ऋषिकेश की रहने वाली अंजलि से शादी कर ली। 2013 में देव ने शियान शहर में अपना खुद का रेस्टोरेंट खोला, जिसकी थीम इंडियन कल्चर पर बेस्ड थी। इसका नाम दिया रेड फोर्ट। बाद में इसका नाम बदलकर अंबर पैलेस कर दिया गया। 4 साल बाद यानी 2017 में उनके किस्मत का ताला खुला। संयोग था कि एक दिन उनके रेस्टोरेंट में चीनी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर साहब आए थे, जिनकी फिल्मों में देव ने एक्टिंग की इच्छा जताई। ब्रूसली की फिल्मों के प्रति देव की दीवानगी देख उन डायरेक्टर महोदय ने देव रतूड़ी को अपनी टीवी सीरीज स्वैट में एक छोटा सा रोल निभाने का मौका दे दिया। इस छोटे से रोल ने देव को चाइनीज फिल्म इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश करने में बेहद मदद की। धीरे धीरे वो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए। तब से अब तक देव करीब 35 चाइनीज फिल्मों और तमाम टीवी सीरियल्स में काम कर चुके हैं। इसके अलावा देव ने कई हॉलीवुड फिल्मों में भी रोल निभाया है। आज देव रतूड़ी चीन के जाने माने फिल्म स्टार हैं। इसके अलावा उनके 8 रेस्टोरेंट हैं। देव बताते हैं कि चाइनीज फिल्मों में काम करने के बाद मैं यहाँ पॉपुलर हो गया। मुझे यहाँ लोगों से खूब प्यार मिला। पैंडेमिक के दौरान भी लोगों ने मेरी खूब मदद की। देव अपनी पत्नी अंजलि और 2 बच्चों के साथ चीन के शियान शहर में रहते हैं। उनके मन में अभी भी उनका गांव बसता है। उनकी कोशिश रहती है कि अपने गांव के लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद करने की। इसलिए वो अब तक अपने गांव से 150 से ज्यादा बेरोजगार युवाओं को चीन लेकर गए और उन्हें नौकरियां दिलवाई। उनके रेस्टोरेंट में 70 लोगों के स्टाफ है, 40 लोग उत्तराखंड से हैं। देव को चीन में रहते हुए 18 साल बीत चुके हैं। चीन में कामयाबी के झंडे गाड़ने वाले इस शख्स को वहाँ की स्थानीय सरकार ने भी रिकॉग्नाइज किया और उनकी लाइफ जर्नी से बच्चों को रूबरू करने का फैसला किया। शियान शहर के स्कूल की किताबों में देव की लाइफ जर्नी पढ़ाई जा रही है। उनकी इस इंस्पिरेशनल स्टोरी को 7th क्लास के सिलेबस में शामिल किया गया है। ये थी पहाड़ के एक गुमनाम गांव के गुमनाम लड़के की कहानी, जिसका नाम उनके गांव के लोगों को छोड़कर आज शायद ही कोई जानता होगा। लेकिन उसकी कामयाबी और शोहरत के चर्चे चाइना में है, जो आज वहां का सुपरस्टार है, साथ ही एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी है। बहरहाल आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।